दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त साहिल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये क्वेश्चन है अपने पास, इफ ए रेशियो बी बराबर 5:6, बी रेशियो सी बराबर 3:4 एंड सी रेशियो डी बराबर है 8:7, तो देन फाइंड करना है अपन को ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो डी क्या होगा। दोस्तों ये अपन को फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे इसको, अपन को दिया हुआ क्या है, ए अनुपात बी है, अपने पास 5:6, ऐसे ही बी अनुपात सी अपन को दिया हुआ है 3:4 और सी अनुपात डी बराबर क्या दे रखा है 8:7। दोस्तों ये अपन को दिया हुआ है और पूछा क्या है, ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी, मतलब सभी का अनुपात अपन को पूछा है। तो दोस्तों देखो इसको अपन ट्रिक के रूप में करेंगे, ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लो आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, लिख लिया ठीक है। इनके नीचे लिखेंगे अपन ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो देखो यहाँ पर आप देखो, केवल यहाँ पर देखना है आपको, ए एक बार है, बी दो बार है, सी तीन बार, सी भी दो बार है और डी एक बार है, ठीक है। मतलब ए और डी एक बार है, बी बी सी सी दो दो बार है। तो जो एक बार होना, जो एक की बार है, जैसे ए एक ही बार है, यहाँ पर या इसकी बार कर रहा हूँ मैं, ए एक बार है, तो जो एक बार होना डायरेक्ट गुणा हो जाता है। मतलब ए इधर है तो ए अनुपात, अनुपात इधर है तो ये अनुपात के इधर डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। दोस्तों ये तीनों गुणा हो जाएंगे, एक के नीचे क्या जाएंगी, तीनों आ जाएंगे गुणा के रूप में। जैसे मैं लिखता हूँ 5:3:8 रेशियो, ये आ गया एक के नीचे क्या आ गया, समझ गए। अब बी के नीचे देखो, अब डी भी एक ही, ए एक था इसलिए कर लिया, अब डी भी एक ही, डी किधर है, इस साइड है, अनुपात की साइड डी यहाँ पर है। तो सीधे चले जाओ, सीधे आपको कहीं घूमना नहीं है, सीधा जाना है, जब एक ही बार है डी, सीधा जाना है। डी यहाँ था अपने पास, अपने लिख दिया 7:4:6, या मैं लिखूँगा 6:4:7, कैसे भी लिख सकते हो, जानना है इसे अपन को 7:4:6, तो 7:4:6 लिख दिया मैंने। ए और डी के नीचे लिख दिया, अब बी और सी की बारी आती है, बी और सी दोनों ही दो दो बार है। पहले बी देख लो, बी इधर है, ऊपर है बी, अब बी इस साइड है तो इधर आ जाओ, इस साइड 6 है, और नीचे भी देखो बी है, अब बी इधर है तो आप सीधे नहीं आओगे, आप टेढ़े हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर भी टेढ़ा है, तो आप इधर घूम जाओगे, 6 से इधर घूम जाओगे, और फिर बी है क्या, नहीं, तो आप फिर सीधे चले जाओ, फिर इस बी के आगे कोई भी नहीं है, सीधे चले जाओ। मतलब यहाँ आ जाएगा 6:3:8 अनुपात। अब यहाँ पर सी की बात कर लेते, सी भी दो बार है तो सी एक तो यहाँ पर है, एक से अब चले कहाँ से। दोस्तों चलना अपन को बीच में, सिर्फ चल नहीं सकते, बीच में से यहाँ पर गए तो इधर कहाँ पहुँचेंगे, इधर चले गए तो इधर कहाँ पहुँचेंगे, नहीं पहुँच सकते, ऐसे तो जा नहीं सकते अपन। तो इसके लिए अपन को करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से नीचे वाले में सी है तो यहाँ अनुपात के इधर है, अनुपात के इधर सी, सी 8, और फिर से इधर है तो इधर चलो, और फिर से नहीं है तो डायरेक्ट ले जाओ। तो 8:4:6, तो 8:4:6 दोस्तों आ गया, ये चारों फॉर्म समझ में आ गई। बस यही समझना है, आगे तो काटापिटी करनी है और आंसर लाना है अपन को, बस समझ में यही है कि ए बी सी डी के नीचे लिखेंगे क्या और ताकि रेशियो प्राप्त हो जाए अपन को। आप समझ गए होंगे, मैं दोबारा बताऊँ, ए एक बार है तो मैंने सीधा चला गया, डी एक बार था तो मैं सीधा चला गया, बी दो दो बार जैसे है, जैसे बी इधर है फिर बी इधर है, इधर आ गया और फिर नहीं है, सीधा आ गया। सी की बारी आती है तो सी यहाँ से चालू करेंगे, तो 8:4:6 चले जाएंगे। अब देखो काटा पीटी करनी है यहाँ पर, अब 4 से काट दो, 4 × 4, 4 × 4, 4 × 8, 4 × 8 ठीक है दोस्तों। अब 2 से काट लो, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 6, 2 × 6 यहाँ पर आ गया। अब आप कहा किससे काटोगे, 3 से काट दो, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3 कट गया। यहाँ पर क्या बचा, 5:5, यहाँ पर कितना होता 6:6, यहाँ पर कितना बचा 8
अनुपात, यहाँ पे कितना बड़ा, 7। तो ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी अपने पास आ गया 5:6:8:7 अपने पास आंसर आ गया दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों। तो आज यही बता देते हैं अपन, अगली वीडियो में देखेंगे अपन एक नई ट्रिक, नया प्रश्न। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूले दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर।